शर्म नहीं आ रही कि वो जो चार बच्चे सलमा के हैं तो वो किसके बच्चे हैं? आपको इतनी शर्म थी ना? आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही, ना मैं सलमा यासिन का साथ दे रही हूँ, ना ही मैं सितारा यासिन का साथ दे रही हूँ। और मैं वाज़ेह तौर पे कह रही हूँ कि मैं इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ जो आके बकवासें करें, जिनकी मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाली हूँ। मैंने थोड़ी सी उनकी रिकॉर्डिंग की है, मैं वो आपको सुनाने वाली हूँ, फिर आप लोग फ़ैसला कीजिएगा। मैं किसी के हक में ना किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रही। जो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं ना ये जो यूट्यूबर्स, जिनको मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि टके टके के यूट्यूबर्स, तो फिर मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ऐसा ना बोलें कि टके टके के यूट्यूबर्स ऐसा ना बोलें। तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर आप लोग फ़ैसला कीजिएगा। मैं इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है जब वो बहनें एक हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर से जब वो एक हो जाएंगी तो फिर ये जो अभी इतना बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं ना, ये सब चुप हो जाएंगे। तो मैं उस मौके पे मैं शर्मिंदा कम से कम नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। क्योंकि मुझे पता है ना कि ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ ये लोग जो ये यूट्यूबर्स हैं ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सलमा यासिन को, सितारा यासिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो अपने अपने चैनल्स पे जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बस आप मुझे बता दें इस गुफ्तगू का क्या सर पैर है, ये कैसे इंसाफ दिलाएगी सलमा यासिन को ये जो इनकी गुफ्तगू है, ये आप ज़रा आप सुनें। ज़ैनब सुनो, इनको बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये भी यही काम करती हैं। तो ये कहती हैं कि ये काम रोका ना जाए, ये ज्यादा प्रमोट किया जाए। जाहिर सी बात है इन जैसे लोगों ने तो इस काम को प्रमोट करने, ये बेचारी आ गई तीन बच्चों के बारे में बोलने के लिए। इस औरत को ये शर्म नहीं आ रही कि वो जो चार बच्चे सलमा के हैं तो वो किसके बच्चे हैं? आपको इतनी शर्म थी ना? आपको शर्म आती है? जैसे तुम लोग पैसे कमाने के लिए आए हो यहाँ पे, 100% आप अगर पैसे कमाते जो कारोबार के लिए उसको मुजरा करने के लिए आप दुबई भेजे, अल्लाह के घर जाकर कोई शर्म नहीं। लोग अगर आप चुगना पाप के वहाँ जाते हैं, गुना करके आइए। अल्लाह कंजरों को हर रोज बुलाता है, जब जाके माफी मांग लो, लोगों को मौका दे रहा हूँ, मान जाओ, सीधे हो। लेकिन वो जिनके दिलों पे मुक्का होती है ना हराम और जिना की, वो कभी नहीं छोड़ती। इसके ऊपर लानत मारे सारी दुनिया की। एक दफा जिना कर। अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने इन लोगों को टके टके के यूट्यूबर्स कहा है तो मैंने कोई गलत बात की है? इनकी बातों का क्या सर पैर है? ये लोग किस तरह सलमा को या सितारा को इंसाफ दिलाने के लिए, ये कौन से वकील बने हुए हैं या कौन से जज बने हुए हैं ये लोग? इनकी इन वाहियात और फजूल बातों से किसको इंसाफ मिलने वाला है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। मैं इनके ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, मैं किसी के हक में नहीं बोल रही। आप मुझे ये ना कहें कि आप सितारा का साथ दे रही हैं, सितारा यासिन गलत हैं, ये गलत हैं, वो गलत हैं। मुझे आप लोग ना समझाएं, मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। बस मैं ये छोटा सा एक मैसेज आप लोगों को देना चाह रही थी। तो अल्लाह हाफिज़।